जनरल स्टोर को खोलकर करें अपने बिजनेस की शुरुआत, कमाएं हर महीने 50,000 से 1,00,000 तक। आजकल हर कोई चाहता है कि घर का सारा सामान उसको एक ही दुकान पर आराम से मिल जाए, इसलिए ये बिजनेस एक फायदेमंद बिजनेस है। बस आपको जरूरत है कि आपको इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी हो। तो आइए जानते हैं जनरल स्टोर में क्या होता है। जनरल स्टोर में आपको घर का पूरा सामान यानी राशन से लेकर सुई तक सभी सामान रखना पड़ता है। इसमें आपको किराने के होलसेल से दुकान का सामान लाना होता है और ग्राहकों को वो सामान असली दाम पर बेचना होता है। इसके लिए आपको सामान की खरीद और बिक्री दोनों का रिकॉर्ड रखना होता है। जनरल स्टोर के लिए जगह कैसी होनी चाहिए। जनरल स्टोर खोलने के लिए महत्वपूर्ण है कि आप स्टोर के लिए कैसी जगह का चुनाव करते हैं। जगह का चुनाव या किराए की दुकान लेते समय हमेशा इस बात का ख्याल रखें उस जगह के आसपास कोई जनरल स्टोर की दुकान ना हो, या फिर ऐसी जगह का चुनाव करें जहां भीड़ तो हो लेकिन जनरल स्टोर भीड़ के मुताबिक कम हो या ना हो। इससे आपको ये बिजनेस शुरू करने में आसानी होगी। जब जगह का चुनाव आप कर लें उसके बाद आपको जगह या एक दुकान किराए पर लेनी होगी। अगर आपकी पोस्टल दुकान है तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। एक बात का और खास ख्याल रखें, दुकान किराए पर लेते वक्त दुकान मालिक के साथ एग्रीमेंट अवश्य करें। एग्रीमेंट लॉन्ग इन पीरियड करें जिससे दुकान का मालिक बीच में ही आपको दुकान खाली करने को ना कहे, क्योंकि इस बिजनेस को शुरू करने में ग्राहकों के साथ रिश्ता बनाने में और प्रॉफिट कमाने में टाइम लगता है। लागत। जनरल स्टोर खोलने के लिए 50,000 से 1,00,000 तक की लागत सामान खरीदने के लिए चाहिए। अगर आप चाहें तो इससे ज्यादा भी पूंजी लगा सकते हैं। कितना पैसा लगेगा उसकी अधिकतम सीमा नहीं है। यह आपकी दुकान के लिए साइज पर निर्भर करता है। आपकी दुकान का प्राइस हर लोकेशन में अलग होगा। दुकान को खरीदने की कॉस्ट के अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि प्रचार करने का कोर्स, लीगल फीस, सप्लायर से सामान खरीदने की कॉस्ट, ये सब भी होगा। ये सारी चीजें मिलाकर आपको कम से कम 4,000 से 50,000 का इन्वेस्टमेंट लगेगा। प्रॉफिट मार्जिन। जनरल स्टोर को अच्छे से चलाने में कम 6 महीने लगेंगे। जनरल स्टोर में प्रॉफिट मार्जिन 25 से 40% तक का होता है। अगर आप अपना नया जनरल स्टोर खोल रहे हैं तो आपको शुरुआत में 10,000 की लागत से कम 15 से 30,000 तक महीना कमा सकते हैं। जनरल स्टोर का डिजाइन कैसा रखें। आप अपने जनरल स्टोर के लिए ऐसा डिजाइन का चयन करें जिससे सारा सामान आसानी से रखा जा सके और सामान को ग्राहक आसानी से देख सके, जिससे कम से कम समय में ज्यादा ग्राहकों को आसानी से सामान निकाल कर दिया जा सके। ग्राहकों को कैसे अपने जनरल स्टोर की ओर आकर्षित करें। ग्राहकों को खुश करने के लिए आप कुछ डिस्काउंट भी ऑफर कर सकते हैं। आप मुफ्त होम डिलीवरी, फोन पर ऑर्डर करने जैसी सुविधाएं अपने ग्राहकों को दे सकते हैं जिससे ग्राहक को आसानी हो। लाइसेंस परमिट्स। भारत में कोई भी बिजनेस करने के लिए कुछ लाइसेंस परमिट की जरूरत होती है। आप जो व्यापार करते हैं उसी के लाइसेंस परमिट दस्तावेज होने से आप बेफिक्र होकर व्यापार कर सकते हैं। जनरल स्टोर का प्रचार कैसे करें। आप अपनी दुकान की मार्केटिंग भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो न्यूज़पेपर में अपनी दुकान का एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। आप अपनी दुकान का ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, पोस्टर बैनर छपवा सकते हैं। आप अपनी दुकान के लिए वेबसाइट बना सकते हैं जिससे आपकी दुकान का एक अच्छा खासा प्रमोशन हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर करें। ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।